तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका कौशिक जी टेक्निकल में। मैं हूँ भावेश कौशिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के अप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर के बारे में। फिजिक्स का एक चैप्टर है, उसमें एक ये प्रमेय आती है, 5 नंबर के पेपर में आती है, समांतर अक्षीय प्रमेय या लंबवत अक्षीय प्रमेय। ये क्वेश्चन में 5 नंबर की आती है डायरेक्ट। तो जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्टिया। तो यदि किसी तो चलिए देखते हैं इस प्रमेय को। तो यदि किसी पिंड पर किसी अक्ष के परे जड़त आघूर्ण ज्ञात हो, तो उस पिंड पर किसी अन्य अक्ष के परे जड़त आघूर्ण निम्न दो प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो दो प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट प्रमेय जो है लंबवत अक्ष की प्रमेय। लंबवत अक्ष की प्रमेय क्या कह रहा है? इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल का सतह के लंबवत अक्ष ओजेड, ओजेड ये अक्ष है, कि परित जड़त आघूर्ण का मान बिंदु ओ से गुजरने वाली दो परस्पर लंबवत अक्षों ओ एक्स व ओ वाई के जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यदि एल जेड बराबर ओ जेड अक्ष के परित जड़त आघूर्ण है, तो देख दोस्तों इस चित्र के हम बाद में व्याख्या करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं पुनः। एल एक्स इजकल टू ओ एक्स अक्ष के परित जड़त आघूर्ण तथा एल वाई बराबर ओ वाई अक्ष के परित जड़त आघूर्ण। तो प्रमेय के अनुसार एल जेड बराबर एल एक्स प्लस एल वाई, चूँकि एल एक्स इजकल टू सिग्मा एम बाई स्क्वायर तथा एल वाई इजकल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। अब चूँकि एल जेड इजकल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, एल जेड इजकल टू सिग्मा एम कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू सिग्मा एम बाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं अंत में जो आता है, अर्थात एल जेड इजकल टू एल एक्स प्लस एल वाई। तो दोस्तों ये जो लंबवत अक्षीय प्रमेय है ये क्या कहती है कि ओ जेड के परे जड़त आघूर्ण का मान ओ से गुजरने वाली, ओ से जो रेखा गुजर रही है दो लंबवत अक्ष ओ एक्स तथा ओ वाई के जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होता है। इन दोनों का योग जड़त आघूर्ण के बराबर होता है, तो ये प्रमेय ये कहलाती है। चलिए चलते हैं दूसरी प्रमेय पे, समांतर अक्षीय प्रमेय। पेपर में ये भी आती है समांतर अक्षीय प्रमेय क्या होती है, तो देखते हैं पढ़ते हैं इसको। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर किसी अक्ष ई एफ ई कैपिटल स्मॉल एफ के परित जड़त आघूर्ण का मान उस पिंड के गुरुत्व केंद्र सी से गुजरने वाले समांतर अक्ष ए वी के परित जड़त आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान का दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। पिंड के कण P पर विचार कीजिए, कण का द्रव्यमान m तथा वह कण AV से r दूरी पर स्थित है, अतः कण का अक्ष EF के परे जड़त आघूर्ण m कोष्ठक में r प्लस x का होल स्क्वायर तथा जहां h दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी है, अतः अब समस्त पिंड पर ई एफ के परत जड़त आघूर्ण आई बराबर सिग्मा एम कोष्ठक में आर प्लस एच स्क्वायर सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एच स्क्वायर प्लस टू एच सिग्मा एम आर, परंतु सिग्मा एम आर स्क्वायर इजकल टू आई सी सिग्मा एम बराबर एम तथा टू एम बराबर जीरो। तो समांतर अक्षीय प्रमेय क्या कह रही है? समांतर अक्षीय प्रमेय देखो चित्र से देखते हैं। समांतर अक्षीय प्रमेय जो है जड़त आघूर्ण का मान उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली, जो पिंड है हमारा उससे केंद्र से गुजरने वाले ए वी के जड़त आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान दोनों अक्षों के मध्य दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जो जड़त आघूर्ण का मान है जो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले समांतर जड़त आघूर्ण का मान है वो मध्य दूरी से गुजरने वाले दोनों अक्षों के मध्य दूरी से गुजरने वाले गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 5 नंबर का प्रमेय आता है पेपर में, या तो समांतर अक्षीय प्रमेय आती है लंबवत अक्षीय प्रमेय आती है। तैयार कर लीजिएगा पक्की तरीका से, ये 5 नंबर का पेपर जरूर पूछा। धन्यवाद, चैनल पर बने रहें।